So as illustration 12 was there of partnership fundamentals, in this point which has been missed in the book, that is jo partners capital hai uski opening value aur closing value dono in di hui hai, dono mein se ek value hogi to accordingly hum interest nikal sakte hain. Agar opening hoti hum directly nikal lete, agar wahan pe closing hoti to hum usme se opening jo hai wo calculate karke फिर हम इंटरेस्ट निकाल लेते, बिकॉज यू नो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल्स, नॉट द क्लोजिंग कैपिटल्स. वो दोनों सेम हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होगी तो हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, नहीं तो हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे फिर इंटरेस्ट निकालेंगे. तो यहाँ पे सम में कहीं जो है वो मिसप्रिंटिंग है. कैपिटल की वैल्यू देनी होगी, कैपिटल की वैल्यू होनी चाहिए थी 8% के हिसाब से 8 लाख एंड 6 लाख respectively for Sonu and Rajat. Yes, anything else? Yes, sir. From your side, any book, any chapter, any topic, अगर आपके पास है तो please आप बता दीजिए, तो मैं आपको फिर revise जो है करवा देता हूँ. Should I? Doubt egg. Okay, the issue of debenture. उसमें आपने बोला था कि अलॉटमेंट में हमने नेट अमाउंट लेनी होती है, जब वो 36 रुपए वाला सम था वो सर. नो, 36 3000 डिबेंचर्स 6% सर. वो ओके, वो 20 25 20 वाला 20% ऑन अलॉटमेंट, वो वाला सम. यस सर. सम नंबर 10. यस सर. बिल्कुल ठीक है, बोलिए. तो इसमें हमने जो अलॉटमेंट लेनी है वो 25 माइनस 5 लेनी है. हाँ जी, 25 डिबेंचर में 5. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ही सेड 100 रुपीस का डिबेंचर और 5 के डिस्काउंट पे इशू किया गया, पेएबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन मींस 25 रुपीस, 20% ऑन अलॉटमेंट मींस 20 रुपीस. जो परसेंटेज निकालनी है आपने वो डिवेंचर की फेस वैल्यू की निकालनी है. बैलेंस बैलेंस कितना बचेगा, 45 आपके ये हो गए, ये 95 पे जा रहा है, 50 का आपका बैलेंस बचेगा. नाउ दिस 20 मींस 25 माइनस जो आपको पेएबल परसेंटेज दी हुई है वो आपने फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर पे निकालनी है. सर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5. ठीक है, उसमें बताना बैलेंस कैसे निकालेंगे. इट शुड एट डिस्काउंट ऑफ 4% रुपीस 30 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. 3000 का वो था आपका डिबेंचर और जो बाकी बच गए वो 70 उसपे है, डिस्काउंट है 4% मीन 66 माइनस 4 100 रुपीस 30 एप्लीकेशन पे और जो बाकी बच गए वो 66 रुपीस. नाउ दिस 66 मींस 70 माइनस 4, ऐसे नहीं बनता. ये 70 कहाँ पे आएगा, 70 डिबेंचर में आएगा फेस वैल्यू. सर सर पहले क्वेश्चन में हमने 25 माइनस 5 लिया था, इसमें हमने कम क्यों कर दी, मतलब उल्टा क्यों कर दी. क्या कर दिया हमने, मतलब इस पहले क्वेश्चन में हमने 25 माइनस 5 लिया था, 20 दिया हुआ था. क्योंकि 25 माइनस 5 20 होता है इसलिए, और 70 माइनस 4 66 होता है इसलिए. सेम नहीं किया मैंने सेम नहीं किया दिलांचे. सर कंफ्यूज, नेट अमाउंट लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी. मेरे को आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं आई. जो मेरे को लग रहा है मैं बताता हूँ, जो मेरे को लग रहा है, जो पहली बात तो वो पैसा यहाँ पे हमने चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वो पैसा लिखना होता है जहाँ प्रीमियम डिस्काउंट हो, जो हमने लेना होता है. ये बात आप समझ गए, जो पैसा रिसीव करना होता है. अगर प्रीमियम होता है तो आपको याद होगा हम प्लस करके लिखते होते थे, नेट अमाउंट लिखते हैं मीन्स. अगर अपने डिस्काउंट हो तो भी हम नेट लिखते हैं, तो हम माइनस करके लिखते हैं. अगर वो कह रहा है कि आप इसको छोड़ो, पॉइंट को 5 को छोड़ो, हम यहाँ पहले बात करें, वो कहता है 100 रुपीज का डिबेंचर 25% ऑन एप्लीकेशन 20% ऑन अलॉटमेंट. ये 20 हो गया,
यहां तक ठीक है? एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, दिव्यांशी हमें क्लियर हो ना? यस सर। 25 इसके होंगे, 20 इसके होंगे, अब बैलेंस कितना बचता है हमारा अभी तक का? 55, लेकिन उसने 5 की डिस्काउंट पे दे दी। अब डिस्काउंट कहाँ नहीं हुआ तो कहाँ पे होगी? वो अलॉटमेंट पे होगी, विच मीन दिस इज 25 माइनस 5 मीन डिबेंचर कितने बने पैसे? एक 25, एक 25, 50, बाकी बच गए 50। वो अमाउंट वो है 20 रुपीज जो हमने रिसीव करनी है। अगर हम इसी पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं, ही सेज 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस पे कितने बचते हैं? 70। अब 70 पे हम डिस्काउंट भी तो देनी है, डिस्काउंट कितनी थी? 4%, तो 70 माइनस 466। यहाँ भी हमने वही अमाउंट लिखी हुई है जो रिसीव करनी है, यहाँ भी हमने वही अमाउंट लिखी है जो रिसीव करनी है। ये डिफरेंट क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रही, आप बता दो आपका डाउट कहाँ पे है, क्योंकि दोनों में एग्जाम्पल सेम ही है। मेरे को क्लियर हो गया। क्लियर है आप? ठीक है, आपने अमाउंट वो लिखनी है, हुआ भी है कि ऐसे कह रहे थे? नहीं हो गया सर। नहीं हो गया, नहीं हो गया सर। अगर नहीं हुआ है दोबारा पूछ लीजिए। हम यहाँ पे अमाउंट वो लिखते हैं जो रिसीवेबल होती है, मींस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ठीक है, और दोनों केसेस में आपको ये नहीं बताया हुआ डिस्काउंट कहाँ पे है, तो फिर वो अलॉटमेंट पे है। और ये आपकी नेट अमाउंट है, ये यहाँ बताई हुई है, ये नेट अमाउंट है। नेट है मीन्स डिस्काउंट माइनस की हुई है, 5 रुपीज था, 25 माइनस 5 था, तो 25 20 50 50 बाकी बच गए। यहाँ उसने कहा 30 रुपीज इस पे लेने हैं, बाकी उस पे लेने हैं, तो बाकी लेने ही 966 है, बिकॉज 100 वाला डिबेंचर गया ही 96 पे है फोर डिस्काउंट पे, वो 96 बन गए। लेकिन डिबेंचर के ये रिसीव करने वाले हैं, डिबेंचर के 30 प्लस 70 ऐसे 100 बन गए। ठीक है सर। ठीक है, और कोई पॉइंट? और किसी का पॉइंट कोई? कोई नहीं। होपफुली आपको सिलेबस जो है वो, फर्स्ट एग्जाम ही आपका अकाउंट्स का है, होपफुली आपको सिलेबस जो है वो रिवाइज्ड है आई होप, है ना? अदरवाइज भी आपने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बुक है पार्ट बी, वो आपने दो बारी कर ली, एक बारी पीटी वन में करी, एक बारी पीटी टू में करी। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है वो आपने पीटी टू में किया एक बारी, एक बारी आपने अब कर लिया होगा, ये करना है, है ना? और बाकी बच गया आपका ये शेयर कैपिटल डिवेंचर्स वाला कंपनी अकाउंट्स का, ये भी आपने रिसेंटली किया हुआ है। आई होप कि मैं क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता हूँ, आपको उसका आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा तो डिस्कशन करके हम आंसर निकाल देंगे। शुड आई पूछ सकता हूँ मैं? ठीक है, और मैं ऐसे नहीं पूछ रहा था, मैं इस चैप्टर से पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है, मैंने बुक का जो पेज खुल गया उसके आसपास क्वेश्चन हुआ, रैंडमली मैंने क्वेश्चन पूछ लेना है। मैं आई ओके, डिफाइन प्रो राटा अलॉटमेंट, ये क्या होती है प्रो राटा अलॉटमेंट? तनवीर, प्रो राटा अलॉटमेंट इज इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन कंपनी अलॉट्स लेस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स देन व्हाट द शेयर होल्डर्स हैड एक्चुअली अप्लाइड फॉर। It is done in order to maintain the company's goodwill. That's all. Yes, sir. अब आपने incomplete छोड़ दिया answer. अगर आपने ये बात अगर one marker होता ना तो first line जो थी आपकी बिल्कुल ठीक थी, वहाँ आपका answer बन रहा था. And when you have said that it is done to maintain the goodwill of the company, तो यहाँ आपको बताना चाहिए क्यों. और अगर आपने बताना शुरू कर दिया क्यों, तो वन मार्कर से वो ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका थ्री मार्कर का आंसर आ रहा है। अगर ये थ्री मार्कर हो तनवीर, ये इनकम्प्लीट आंसर है। अगर ये वन मार्कर हो तनवीर, ये ओवर अटेम्प्ट होगी एक लाइन। समझ आ रही है तनवीर? ठीक है, यस सर। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट आई नो क्लियर है बच्चे, लेकिन बोर्ड को नहीं पता कि तनवीर तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोर्ड को तनवीर भी नहीं पता कौन है, वहां तो आपके एंट्री आपका रोल नंबर ही जाएगा और आपके आंसर जाएंगे। थ्री मार्क्स के हिसाब से कम था आंसर, इनकम्प्लीट था, वन मार्क के हिसाब से ये ओवर हो गया। अगर आपने ये लाइन लिखनी भी है ना गुडविल को मेंटेन करने के लिए, हाउ ये बताना पड़ेगा। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनको शेयर्स मिलेंगे उनको, जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें कम मिलेंगे, अगली बारी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में ये हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर तनवीर। ठीक है, यस सर, एग्जैक्टली।
Name the shareholders to whom a fixed rate of percentage of dividend is given. मैंने जल्दी जल्दी में बोला है क्योंकि क्वेश्चन प्लस वन का था इसलिए है यहाँ पे भी वो प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक है प्रेफरेंस शेयर्स मैंने जल्दी में इसलिए बोला ताकि आपको पिछले साल वाला क्वेश्चन जो है इस साल भी रिपीट हुआ है वो याद आ जाए एज पर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 द यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैव बीन मेंशन्ड याद है ये हैंड रेज किए हुआ पिछला ही है कि नया हैंड रेज किया यस दिव्यांशी 52 इतना ही है कि सबसेक्शन भी है इसका सबसेक्शन 2 52 सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 इट allows us the use of the securities premium kahan kahan because security premium reserve is an amount it is a reserve which can't be used anywhere isko use karne ke liye company ke paas purposes hain aur sirf unhi purposes ke liye jo company hai wo isko use kar sakti otherwise use nahi kar sakti give me any one use of security premium as per this section yati law yati ka dhumul atak gaya यदि मैंने फर्स्ट आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि पांच है हमारे पास पांच है ना कि छह है कम से कम पांच फाइव ही है फाइव यूजेस हैं फाइव में से आपने एक बताना है मैंने आपसे फिफ्थ नहीं पूछा मैंने फाइव में से एक पूछा है कोई एक यूज और ये रिसेंटली हमने किया है टॉपिक डिवेंचर्स में टॉपिक ये रिसेंटली किया है यस मोली Buyback of its own share. बिल्कुल ठीक है ये हमने जो recent topic किया है वो कौन सा है उसका बताओ तो बताएगा मेरे को कोई जाना Redemption of discount on issue. हाँ जी Writing of discount on issue और loss on issue. उसको जो write off करते हैं ये तो हमारा numerical में बन गया ना है ना वो buyback of its own shares हो गया fully paid bonus shares हो गया वो टॉपिक जो है वो हमारी थ्योरी रह गई बिकॉज वो हमारे न्यूमेरिकल में नहीं है अगर एक आ जाए तो सिंपल आप ये लीजिए ना जो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा आपने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं दैट इज राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ठीक है ओके कैन द शेयर्स बी इश्यूड एट डिस्काउंट नो नो यू कांट इशू एट डिस्काउंट ओके आई से दीज कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट अगर आप नहीं कर पाए ना मेरे को रॉन्ग प्रूव मैंने राइट प्रूव कर देना मैंने ये नहीं कहना कि मैं राइट मैंने प्रूव कर देना और ये बात मैंने क्लास में बताई हुई है अदरवाइज हम यही कहेंगे शेयर्स जो है वो इश्यू डिस्काउंट पे नहीं हो सकते नहीं हो सकते जनरल व्यू यही है ना एक्सेप्शनल केस है अगर जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स नॉट शेयर होल्डर एक्चुअली टू द प्रमोटर्स और टू सर्टेन पर्सन डायरेक्टर्स बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अस द टेक्निकल नो हाउ टेक्निकल नॉलेज उसको उसके बदले में हम जब शेयर्स देते हैं उसको बोलते हैं शेयर्स इश्यूड एट डिस्काउंट और जो टर्म है दैट इज स्वेट इक्विटी स्वेट इक्विटी नेम से ही क्लियर हो रहा है कि उन्होंने हमें अपनी नॉलेज दी नॉलेज प्रोवाइड करी तो हम उनको शेयर जो है वो कम रेट पे दे रहे हैं ठीक है आपका आंसर अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि कैन द शेयर्स बी इश्यूड एट डिस्काउंट इश्यूड अंडरलाइन दिस वर्ड नॉट री इश्यूड issued at discount the answer straight forward should be no yes mat keh dena yes mat keh dena because this is an exceptional case when we say that the shares can be issued so we say can it be issued to public public ki wahan baat ho rahi hai hai na ha aap add kar sakte ho ki accept equity shares sweat equity hai na sweat equity mein hum kar sakte hain otherwise the answer should be no aapne ye nahi kehna ki ha sweat equity mein ho sakte hain
आप लेके आने नहीं हो सकते लेकिन स्वेटिक्विटी में हो सकते हैं, आंसर शुड बी नो, यस नहीं होना चाहिए। अगर आपने यस लिख दिया अगर आपको ना पड़ेगा बाद में फिर नो लिख के इसको एक्सेप्शन दो, बिकॉज एक्सेप्शनल केस है, ये हर बार नहीं इशू होते, हर बार पब्लिक को इशू होते हैं, हर बार प्रमोटर्स को या हर बार टेक्निकल नो हाउ के लिए नहीं करते। स्वेटिक्विटी भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम काइंडली है, हर बार नहीं इशू होगी, ठीक है। तो इस केस में जो हम शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को कर रहे हैं या हम किसी और को कर रहे हैं तो आंसर शुड बी नो। यू कैन गिव एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिक्विटी, दैट कैन बी दैट वी कैन से इट इज बेटर, बट वी कांट से कि यस दिस कैन बी इशूड एग्जांपल स्वेटिक्विटी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज कंपनीज एक्ट में क्लियर लिखा हुआ कि इट इज प्रोहिबिटेड टू इशू द शेयर एट डिस्काउंट। But what is the meaning of capital reserve? And don't give me the meaning share forfeiture in this case. जो आप जिस साइड से आप सोच रहे हो ना शेयर फॉरफीचर रिलेट कर लेते हैं, मैंने मेरे को नहीं वो चाहिए, वो एग्जाम्पल है उसकी जो आपने इस साल पढ़ी है। I am asking give me the meaning of capital reserve। ये हमने 11th में भी किया हुआ है और जब हमने ये शेयर फॉरफीचर वाला टॉपिक किया वहां उसमें हमने रिपीट भी किया मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व। नो वन इज देयर, चलो गलत वाला बताओ फिर, ठीक वाला नहीं आता तो गलत वाला बताओ। हाँ जी दिव्यांशी सर, इज कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व व्हिच इज केप्ट टू मीट द लॉसेस ऑफ कैपिटल, ठीक है, which is meet, which can be used to meet capital losses, ठीक है। क्रिएशन कहां से होती है इसकी मौली? It is a reserve that is set out of capital profits and cannot be distributed as dividends. बिल्कुल ठीक है बेटा, the reserve which is created out of capital profits. Now what is this capital? See first of all capital reserve has nothing to deal with the capital, है ना? You can't say the reserve of capital is capital reserve. वो नाम पता नहीं capital क्यों लिखा हुआ है इसमें, capital reserve मतलब capital नाम इसलिए लिखा हुआ कि ये non-recurring type है, है ना? दो होते हैं ना profits, revenue profits होते हैं, capital profits होते हैं। जो revenue रिजर्व होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से कैलकुलेट होता है या क्रिएट होता है, जो कैपिटल रिजर्व है वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है। सो द रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल मींस नॉन रिकरिंग प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, जो वहां से क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व एंड इट कांट बी यूज्ड टू पे ऑफ द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक, दिस इज कैपिटल रिजर्व। नाउ व्हाट इज रिजर्व कैपिटल, एक और टर्म है रिजर्व कैपिटल, ये क्या होती है? दिस वाज कैपिटल रिजर्व, पड़ी हुई है। सी इसका अब कैपिटल रिजर्व से कोई कंसर्न नहीं है, मैं आपको बात बता दूं, हाँ उस साइड से मत सोचना, है ना? इसका तो बिल्कुल ही नहीं, कैपिटल रिजर्व का तो शेयर फॉरफीचर के साथ फिर कंसर्न था, उसकी एग्जांपल बन रही थी, इसका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कैपिटल रिजर्व का रिजर्व कैपिटल के साथ, बिल्कुल नहीं। आ रही है किसी के माइंड में कुछ? अगर आपने पढ़ा हो, हमने एक टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल्स पढ़ी थी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, पढ़ा था। इसके अलावा एक और कैपिटल होती है, ये तीनों कैपिटल तो हर कंपनी के पास होनी ही होनी है ना, और कंपनी को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी करनी पड़ती है, लेकिन रिजर्व कैपिटल जो होती है वो हर एक कंपनी के पास होती भी नहीं है, और कंपनी डिस्क्लोज करे या ना करे कंपनी की अपनी मर्जी, डिस्क्लोज नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? इट इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज कैप्ट रिजर्व विच द कंपनी डजंट कॉल इट इन इट्स लाइफ टाइम, करती नहीं कॉल, कॉल्ड अप में ही नहीं आती कभी भी, एंड कंपनी कॉल्स इट अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी एक अमाउंट रख लेती है अपने पास, ये आपकी बुक में है, और इन दोनों का डिफरेंस भी है, कैपिटल रिजर्व का और रिजर्व कैपिटल का ये डिफरेंस भी है। कंपनी एक रिजर्व रख लेती है कैपिटल की, बिकॉज अब क्या होगा, अगर सपोज 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने 100 रुपये ही मंगवा लिए, 100 के 100 कंपनी ने कॉल अप कर दी है, शेयर होल्डर ने पेड भी कर दी,
कल को सपोज कंपनी लिक्विडेट हो जाए, कंपनी के पास पैसा नहीं है अपने डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स को, अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करने के लिए पैसा ही नहीं है, एसेट्स जाएंगी, एसेट्स टेक ओवर हो जाएंगी, है ना। और शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, ये सोल ट्रेड वाला केस तो है नहीं, नहीं पार्टनरशिप है कि उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, वो पैसा घर से और ले आएंगे, वो तो 100 रुपया था वो 100 पे कर चुके थे, उन्होंने नहीं देना। अब कंपनीज क्या करती हैं, इसमें से एक छोटी सी परसेंटेज अपने पास रख लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, कि जब कंपनी इन केस कंपनी लिक्विडेट हो जाए सपोज, तो उस केस में वो पैसा शेयर होल्डर से मंगवाया जा सके। कंपनी ने क्या किया, से 90 रुपीज मंगवा लिए, 10 रख लिए कि हमने नहीं मंगवाने 10 रुपीज। अगर कल को कंपनी से, कंपनी को डाउट है, कंपनी नहीं नहीं हुई है, पता नहीं प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं चलता है, कल को कंपनी वाइंड अप हो जाए, क्लोज हो जाए, कंपनी क्या करेगी, जिनके पैसे पे करने वाले हैं, जो ये 10 रुपीज है इसमें से पे, उससे मंगवा लेगी शेयर होल्डर से, बिकॉज द शेयर होल्डर हैज टू पे, शेयर होल्डर हैज टू पे द अमाउंट। तो उस केस में कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करके अपने लोन्स वगैरह हो गए, अपने क्रेडिटर्स हो गए, अपने डिवेंचर्स, इसके अलावा जो लाइबिलिटीज है उनको पैसा पे कर सकती है। और ये क्रिएट करना कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी के ऊपर, जबकि जो कैपिटल रिजर्व है इट इज अ कंपल्शन, व्हेनेवर देयर आर कैपिटल प्रॉफिट्स इट इज मस्ट टू बी ट्रांसफर्ड दोज कैपिटल प्रॉफिट्स टू द कैपिटल रिजर्व, मस्ट है, करना ही पड़ेगा, कंपनी कांट कीप कैपिटल प्रॉफिट्स एज इट इज। रेवेन्यू प्रॉफिट्स को रख सकती है कंपनी सरप्लस में, कैपिटल प्रॉफिट रख सकती है, जैसे ही कैपिटल प्रॉफिट हुआ इमीडिएटली द कंपनी हैज टू ट्रांसफर दैट कैपिटल प्रॉफिट टू द कैपिटल रिजर्व, लेकिन रिजर्व कैपिटल रखना ये जरूरी नहीं है, है ना, ठीक हो गया। और ये कंपनी डिस्क्लोज भी करे ना करे कंपनी की अपनी मर्जी, ऐसे करना है कंपनी ने डिस्क्लोज, ये कंपनी की अपनी मर्जी, ठीक है। और हर एक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, अगर कंपनी रिप्यूटेड उसको पता कि मैंने कहा वाइंड अप होना है, मैंने कहा होना है लिक्विडेट, तो कंपनी करेगी नहीं, या कंपनी नई नई थी कंपनी ने कर लिया, उसके बाद देखा कंपनी ने 5-10 साल के बाद कंपनी चल पड़ी है, अब बंद होने का चांस नहीं है, कंपनी ये मंगवा लेगी तब मंगवा लेगी, कंपनी के पास फुल ऑप्शन है यहाँ पे, कंपनी की अपनी मर्जी है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। दिस इज रिजर्व कैपिटल, इसका मीनिंग भी है उसमें आपकी बुक में रहेगा मीनिंग भी, और इनका डिफरेंस रिजर्व कैपिटल का, कैपिटल रिजर्व का, वो भी कर लेना। देन है आपका व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ एनी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, मैं कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ लिक्विड इंस्ट्रूमेंट सो दैट कि हम उसको क्लासीफाई कर सके इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वी से इट इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम, राइट। हम कैसे कह देते हैं, वी से इट इज वेरी शॉर्ट टर्म, जी यही कहते हैं ना, वेरी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, है ना, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, इसको हम कहेंगे ये वेरी शॉर्ट टर्म है। सर 1 month, इट इज 3 months एक्चुअली, 9 months ना, 90 days, 3 months, 3 months है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एसेट्स है ना वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ, जो हम कहते हैं ना वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, कि हम कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसमें कैश और बैंक बैलेंस तो है ही, चेक्स भी हैं इसमें, ड्राफ्ट भी इसमें ही है, दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी इसमें है, देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी इसी में आती हैं। 3 months का टाइम है इसका, 90 days का, इसमें ये हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अगर वो 3 months से ज़्यादा हो तो फिर लिक्विड या फिर वो करंट में आ जाती है, ठीक है। देन इज नेम एनी आइटम विच कैन बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली इन एवरी टाइप ऑफ कंपनी, वेदर दैट इज फाइनेंसिंग कंपनी, दैट इज रियल एस्टेट कंपनी, दैट इज बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कोई कंपनी हो, उस हर एक केस में वो जो आइटम वो जो ट्रांजेक्शन है इट विल रिमेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली,
ये भी आपने किया हुआ है। इसके बाद मैं हिंट दे पाऊंगा, मैंने हिंट बोल दिया ना मेरा आंसर आ जाएगा फिर। सर इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, इश्यू ऑफ शेयर्स बिल्कुल ठीक। जब कंपनी शेयर कैपिटल इश्यू करेगी ना, वो चाहे कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी भी हो, इश्यू ऑफ शेयर विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होंगी। वन मोर, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इनकम्प्लीट है बच्चे, इनकम्प्लीट है, इसको ठीक कर दीजिए, मैं इसे गलत कर सकता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट, सही जा रहे हो आप बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। पॉइंट सही पकड़ा है मौली आपने, लेकिन यहां मार्क्स दे सकता हूं, बट एक वर्ड और है जो मेरे को चाहिए, जो मौली ने कहा ना उसके मैं मार्क्स दे सकता हूं। आपका हर्षा आधा आंसर ठीक था, आपने कहा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर आप रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहो तो बिल्कुल ठीक आंसर है, फुल मार्क्स। अगर आप कहो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स तो थोड़ा सा मैं मेरे पास है राइट कि मैं मार्क्स काट सकता हूं आपको, बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, तो आपको बताना पड़ेगा कि इक्विटी नहीं, मैं प्रेफरेंस की बात कर रही हूँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जैसा मौली ने बताया। मौली अगर आप एक इसमें और वर्ड ऐड कर दो ना, तो इसमें कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, अदरवाइज तो मीनिंग बड़ा क्लियर हो रहा है, बट फिर भी मेरे को एक और वर्ड चाहिए। ओके, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ये इट इज अ काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, बिल्कुल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। आपने शुरू किया आंसर डिबेंचर से, हर्षा आपका आंसर ठीक निकला, आपने कहा शेयर्स, मैंने मार्क्स काट लिए, फिर आप मौली ने कहा प्रेफरेंस शेयर, नाउ द पॉइंट इज ऑल द शेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, बोथ द शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, पहली बात तो ये इक्विटी होते नहीं, फिर आपने कहा प्रेफरेंस, तो ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट रिडीम्ड, तो यू मस्ट से रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, पूरा आंसर कंप्लीट आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके मार्क्स काट जाए वो, क्योंकि हमने सारा कुछ ही बता दिया वहां, ठीक है। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी बाय अ कंपनी, इट इज इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश या कैश इक्विवेलेंट, आउटफ्लो और नो फ्लो, हरिया प्लीज लास्ट मिनट ही चलता है। यस, ये भी आपने 11th में भी किया हुआ है, 12th में भी किया हुआ है, कैश फ्लो में आपने इसको ऐड किया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज, व्हाई इट वाज एडेड, यस बोल दीजिए, जिसको आता है बोल, टाइम नहीं है बेटा, गलत वाला बोल तो कुछ नहीं होता, नो फ्लो, नो फ्लो, यस, बिकॉज़ डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, कैश नहीं आउटफ्लो हो रहा है इसका, अदरवाइज इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करते हैं, इट इज एन ऑपरेटिंग बट इट इज नॉन कैश आइटम, फाइन, ओके, फाइन बेटा।